से आप लोगों को अलर्ट हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले हैं मोदी सरकार के कुछ ऐसे नए कानून, ऐसे नए नियम जिनको जानना आपके लिए हो गया है काफी जरूरी। न्यू रूल्स हैं, तो क्या कुछ खास अपडेट हैं, आइए एक एक करके जानते हैं। दोस्तों साल 2018-19 का जो बजट है वो आ गया है। आप लोगों ने काफी रिसर्च और एनालिसिस करके आप लोगों का फायदा और नुकसान तो आपने तय कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जो नियम हम बताने वाले हैं उन पर भी जरा एक दृष्टि आपको जरूर ही डाल देनी चाहिए। दोस्तों पहला जो नियम है वो निकल कर आता है कि बैंक खाता और आधार कार्ड में नाम अगर अलग अलग है तो 1 अप्रैल से खाते से लेन देन आपका बंद हो जाएगा। यहाँ पर आपको आगे आने वाले समय में हो जाएगी दिक्कत। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आपके नाम आधार कार्ड में और बैंक अकाउंट में अलग अलग है, तो आपको जल्दी से जल्दी सही करा लेने चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों 31 मार्च से पहले पहले आप लोगों को ये संशोधन जो है वो कंप्लीट करवा लेने हैं। दूसरा बड़ा नियम जो है वो दोस्तों ये है कि सभी सार्वजनिक वाहनों में 1 अप्रैल से GPS और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य है। अप्रैल की पहली तारीख से सभी सार्वजनिक बसों, टैक्सियों और तिपहिया वाहनों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है वो लगेगा, अनिवार्य कर दिया गया है सरकार की तरफ से। तीसरा जो बड़ा नियम है दोस्तों, 1 अप्रैल 2018 से कोई भी व्यक्ति बिना पैन कार्ड के प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगा। तो यदि आप 31 मार्च 2018 तक आपने बैंक खाते को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपका खाता भी वैध नहीं माना जाएगा। चौथा बड़ा नियम आता है दोस्तों, भविष्य में बिना पैन कार्ड के आप विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे। सरकार ने पैन कार्ड के नियमों में काफी बदलाव किए हैं। आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड का होना भी वित्तीय ट्रांजेक्शन के लिए जरूरी कर दिया है। 1 अप्रैल से अगर आप बैंक में अपना खाता खुलवाने के लिए जाएंगे तो आधार कार्ड के साथ ही पैन कार्ड भी आपसे मांगा जाएगा। पांचवा बड़ा नियम है दोस्तों, उदय ने कहा है कि 1 मार्च से आधार वर्चुअल आईडी की सुविधा आ जाएगी। हालांकि 1 जून से ये अनिवार्य हो जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि 1 जून से सभी एजेंसियों को इसे लागू करने के लिए पाबंद किया जाएगा और ये व्यवस्था आपको मिल जाएगी। छठा बड़ा नियम है दोस्तों, गरीब परिवारों के लोग जो है वो 1 अप्रैल से 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवा सकेंगे, ऐसी जो खबरें हैं वो मीडिया में भी चल रही है। सातवां बड़ा नियम दोस्तों निकल कर आ रहा है, ब्लैक मनी पर शिकंजा कसने के लिए अब सरकार ने बनाई ये रणनीति। फाइनेंस बिल 2018-19 में कंपनियों के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सिस्टम जो है उसमें नियमों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। ये नियम 1 अप्रैल 2018 से लागू होगा। तो केंद्र सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर मौजूद सेल कंपनियों को ध्यान में रखते हुए ये नियम लाया गया है। आठवां बड़ा नियम है दोस्तों, 1 अप्रैल से महंगे हो जाएंगे टीवी। कंपनियां 5 से 10% तक इनकी रेट जो है वो बढ़ा देगी। नौवां नियम दोस्तों है, बॉन्ड में निवेश कर टैक्स बचाने की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। जमीन और मकान के लिए ही बॉन्ड का फायदा मिलेगा। सरकार ने इनका लॉक इन पीरियड 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। ये नियम भी 1 अप्रैल से लागू होगा। जिन निवेशकों को 3 साल का फायदा उठाना है वह 31 मार्च से पहले निवेश कर दें। दसवां बड़ा नियम है, 1 अप्रैल से बेस रेट MCLR से होगा लिंक। ग्राहकों को तेजी से मिलेगा सस्ते कर्ज का फायदा। रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2018 से बेस रेट को MCLR से लिंक करने का फैसला किया है। दोस्तों निकल कर आता है 11वां बड़ा नियम, LTCG टैक्स 1 अप्रैल 2018 से लागू होगा। LTCG टैक्स 1 अप्रैल के बाद शेयरों की बिक्री पर लगेगा, तो 1 अप्रैल के बाद बेचे गए शेयर्स की कमाई पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं अपडेट नंबर 12 की, तो राजधानी में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए परिवहन मंत्रालय ने BS6 को 1 अप्रैल से अनिवार्य करने का फैसला किया है। हालांकि सरकार का ये फैसला सिर्फ दिल्ली के लिए है और 2019 में पूरे NCR में इसे लागू करने की योजना है। साथ ही स्पेशल आपके लिए गुड न्यूज है कि अजमेर बांद्रा सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन जो है वो 1 अप्रैल से चलेगी। दोस्तों अपडेट नंबर 14 है, 1 अप्रैल से आधार बेस्ड पेमेंट जो है वो अनिवार्य हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी जी जो है वो बिहार सरकार के, इन्होंने अनिवार्य किया है। 1 अप्रैल 2018 से IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट जो है वो एक हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे बड़े बदलाव है दोस्तों इस साल के जो 1 अप्रैल 2018 से आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दोस्तों ये जो अपडेट है वो सभी मीडिया में काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। तो उम्मीद है आपको ये कलेक्शन इंपॉर्टेंट लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप लोगों के सुझाव कमेंट में बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।